खातेगांव क्षेत्र का जो समीकरण बना है वो कहीं ना कहीं मेरे पक्ष में दिखता है। इस नाते से पार्टी ने मुझे टिकट दिया। जो मेरे साथी नाराज है उनको मनाने का प्रयास संगठन स्तर पर और मेरे स्तर पर भी मैं करने का पूरा पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ। खातेगांव क्षेत्र कहीं ना कहीं कुशासन का पर्याय बन गया। वहाँ पर आपने देखा होगा कि पूरे देश में अगर देवास जिले का नाम कहीं ना कहीं हुआ तो नेमावरकांड से हुआ। वहाँ बाद में अधिकारियों को दबाया गया, वो अधिकारियों की बात ऑडियो के रात से वायरल हुई, वीडियो के वायरल से वायरल हुई। अराजकता का माहौल नजर आता है। स्वास्थ्य की स्थिति है नहीं, व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था 25 साल पहले थी वैसे की वैसी आज की तारीख में है, ना रोजगार है ना काम धंधे की व्यवस्था है। तो समय समय पर मैं हर कार्यक्रम में गया, वहाँ कोई विरोध नहीं था। हाँ, कार्यकर्ता की इच्छा होती है, उसके सहयोगी की इच्छा होती है कि उसके नेता को टिकट मिले, वो अपनी बात रख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जमकर विरोध है। कहीं ना कहीं आपने देखा कि पोस्टर लगाए गए, पोस्टर मैंने पहली दृष्टि में कहा था कि बीजेपी द्वारा लगाए गए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं लगाए गए, कि मैंने भी पार्टी से इस्तीफा दिया, लेकिन मैंने कुछ कारणों से दिया। वो कारण मैंने जनता के बीच स्पष्ट रूप से रखे, ना शिवराज सिंह चौहान उसका जवाब दे पाए, ना भारतीय जनता पार्टी जवाब दे पाए। बीजेपी के संगठन के पदाधिकारी जो कल तक साइकिलों पर चलते थे आज फॉर्च्यूनर और इंडिगो की गाड़ी में घूम रहे। नमस्कार, मैं हूँ शकील खान। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खातेगांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए पूर्व मंत्री दीपक जोशी जी। आइए हम उन्हीं से बातचीत करना चाहेंगे। भैया, सर्वप्रथम आपका एमपी तक में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार भैया। टिकट के बाद में पूरे खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी देखी जा रही है, तो पहले कार्यकर्ताओं को मनाना कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपने बात कहने का अधिकार है, और कांग्रेस पार्टी में तो हमेशा कार्यकर्ताओं को बात को तवज्जो भी दी गई, कार्यकर्ताओं को उनकी बात रखने का अधिकार भी दिया गया, क्योंकि मैं तो काफ़ी समय तक विपक्षी पार्टियों में रहा हूँ। इस नाते से कह सकता हूँ कांग्रेस की नीति इस मामले में स्पष्ट है, कार्यकर्ता की बात सुनी जाती, फीडबैक के आधार पर टिकट का निर्धारण होता है। खातेगांव क्षेत्र का जो समीकरण बना है वो कहीं ना कहीं मेरे पक्ष में दिखता है। इस नाते से पार्टी ने मुझे टिकट दिया। जो मेरे साथी नाराज है उनको मनाने का प्रयास संगठन स्तर पर और मेरे स्तर पर भी मैं करने का पूरा पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ। मैंने प्रारंभिक चर्चा भी की है और काफ़ी हद तक मामला सुलटा भी है। भैया, गुरुवार रात को देर रात ये कांग्रेस की सूची जारी हुई थी, दूसरी सूची थी, उसमें आपका नाम था। आज शनिवार है, क्षेत्र में पहली मर्तबा आप जा रहे हैं, विरोध के बाद पहली मर्तबा क्षेत्र में जाना होगा, कैसे रूठों को मनाएंगे? देखिए, आज शनिवार है, बाबा हनुमान का दिन है। हमारा प्रारंभिक चुनाव का जो होता है वो अखिलेश्वर से होता है। मैं अभी अखिलेश्वर प्रस्थान कर रहा हूँ, वहाँ पर ध्वज का पूजन होगा विधिवत। हमारी परिवार की परंपरा रही है, ध्वज पूजन के बाद मैं माँ नर्मदा के पावन स्थल नाभि स्थल नेमावर में जाकर माँ नर्मदा से आराधना करूँगा कि माँ तूने मुझे बुलाया है तो मैं कैसे इस संपूर्ण क्षेत्र की सेवा आपके आशीर्वाद से कर सकूँ। बाबा सिद्धेश्वर के आशीर्वाद लेकर बाबा ब्रजेश्वर तक हम यात्रा के माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। ये जो यात्रा निकाली जा रही है भैया, इसका क्या मकसद है, क्या पूरा इसका नाम नहीं दिया? देखिए, यात्रा कोई मकसद नहीं है, क्योंकि खातेगांव क्षेत्र कहीं ना कहीं कुशासन का पर्याय बन गया। वहां पर आपने देखा होगा कि पूरे देश में अगर देवास जिले का नाम कहीं ना कहीं हुआ तो नेमावरकांड से हुआ। वहां बाद में अधिकारियों को दबाया गया, वो अधिकारियों की बात ऑडियो के रात से वायरल हुई, वीडियो के वायरल से वायरल हुई। तो ऐसे दृष्टिकोण में हम दावे से कह सकते हैं कि आज खातेगांव क्षेत्र कुशासन का पर्याय है। खातेगांव में रेत का उत्खनन, अवैध मादक पदार्थों की बिक्री, अनेक प्रकार के अव्यवस्थाएं व्याप्त है, क्योंकि देवास जिले का अंतिम छोर है। वहां पर आदमी को प्रशासनिक अराजकता का माहौल नजर आता है। स्वास्थ्य की स्थिति है नहीं, व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था 25 साल पहले थी वैसे की वैसी आज की तारीख में है, ना रोजगार है ना काम धंधे की व्यवस्था है। तो ऐसे दृष्टिकोण में एक कुशासन का माहौल है, तो हमने कहा कि हम सुशासन, क्योंकि मेरे और मेरा परिवार कहीं ना कहीं अपनी पारदर्शिता के लिए पहचाना जाता है। हम राजनीति में अपनी पारदर्शिता के लिए पहचाने जाते हैं, और मेरे पिता को तो बिरली उपाधि मिली राजनीति की, संत की। और मैंने भी अपने 15 साल के कार्यकाल में कोशिश की कि मैं अपने काम के माध्यम से पारदर्शिता रखूँ, और उसी पारदर्शिता का परिणाम है कि आज खातेगांव की जनता और पार्टी ने मेरे पर भरोसा जताया। मैं पार्टी के नेता माननीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने मुझे दिया है यह मौका। मैं इस मौके का कांग्रेस में सीट में परिवर्तित करके पूरा करूंगा। भैया, लेकिन जैसा कि आपका मीडिया में पहले भी बयान आए थे कि बुधनी से चुनाव लड़ना चाहते हैं आप, अब खातेगांव भेजा जा रहा है, लेकिन जो विरोध है कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में, आपका विरोध हुआ है, जमकर विरोध किया जा रहा है, तो कैसे लेते हैं? देखिए, जमकर विरोध नहीं है। जमकर विरोध कैसे कहा जाता है, वो कार्यकर्ताओं के माध्यम से मुखरित होता है।
आपने देखा समय समय पर मैं हर कार्यक्रम में गया, वहाँ कोई विरोध नहीं था। हाँ, कार्यकर्ता की इच्छा होती है, उसके सहयोगी की इच्छा होती है कि उसके नेता को टिकट मिले, वो अपनी बात रख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जमकर विरोध है। कहीं ना कहीं आपने देखा कि पोस्टर लगाए गए, पोस्टर मैंने पहली दृष्टि में कहा था कि बीजेपी द्वारा लगाए गए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं लगाए गए। लेकिन कल कांग्रेस नेताओं ने इस्तीफा, कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मी नारायण मंडावाला ने भी अपना इस्तीफा पार्टी में कहने का हक है। बहुत सी बार लोगों को लगता है कि हमें अंतिम चांस है, इसलिए वो पार्टी तक अपनी बात पहुंचाने का एक ये भी प्रयत्न करते हैं इस्तीफे का माध्यम। आपको याद होगा कि मैंने भी पार्टी से इस्तीफा दिया, लेकिन मैंने कुछ कारणों से दिया। वो कारण मैंने जनता के बीच स्पष्ट रूप से रखे, ना शिवराज सिंह चौहान उसका जवाब दे पाए, ना भारतीय जनता पार्टी जवाब दे पाए। मंडावाला जी ने किस कारण से इस्तीफा दिया वो संगठन विचार करेगा, और उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए पुनः उनकी वापसी करने का क्या मुद्दे रहेंगे भी आप क्षेत्र में? मैंने कहा ना, सुशासन पहला मुद्दा रहेगा, पारदर्शिता पूर्वक शासन। हम राजनीति में सेवा का माध्यम कहते हैं, लेकिन मेवा का माध्यम नहीं। जिस प्रकार से मेवा कमाया जा रहा, जनता के धन का दुरुपयोग किया जा रहा, ये खुलेआम वहाँ पर दिख रहा है। आप देख रहे रेत माफिया के रूप में हजारों डंपर रोज रेत माँ नर्मदा से निकाली जा रही है। हम आने वाली पीढ़ी को जवाब क्या देंगे? जब पर्यावरण की बात होती है तो हम जवाब क्या देंगे? माँ नर्मदा का पावन तट है, वहाँ विकास नहीं हुआ आज तक। आज हम देखें कि संपूर्ण कर्नौत खातेगांव क्षेत्र में शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। ऐसे दृष्टिकोण में ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत कहीं ना कहीं विकास से दूर है। वो विकास जो संतुलित विकास के रूप में होता, सड़कों को बनाना कहीं विकास की परिभाषा में नहीं आता। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये पहला मुद्दा होना चाहिए। मैं इन तीनों चीज़ों को मुद्दों को लेकर पारदर्शिता पूर्वक शासन, जिसमें ना मेरा परिवार है, न मेरे सहयोगी है, ना किसी प्रकार के साथी है। आप देख रहे हैं कि बीजेपी के संगठन के पदाधिकारी जो कल तक साइकिलों पर चलते थे, आज फॉर्च्यूनर और इंडिवर गाड़ी में घूम रहे। मैं इन सब चीज़ों को रोकने का प्रयत्न करूँ। कितने आश्वस्त भैया जीत को लेकर? मैं 100% आश्वस्त हूँ। कांग्रेस का माहौल है, कांग्रेस दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में जनता कहीं ना कहीं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में जनता कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति आशान्वित है। इसलिए कांग्रेस इस बदलाव को करके, और निश्चित रूप से खातेगांव क्षेत्र से भी, मैं खातेगांव नहीं, मैं तो संपूर्ण देवा जिले की जो टिकटों का वितरण हुआ उसके आधार पर दावे से कह सकता कि पांचों को पांचों सीटें पांडव के रूप में वहां जाएगी, और जो अधर्मिक व्यवस्था है उसको ध्वस्त करेगी। मध्य प्रदेश में कितने भैया? मध्य प्रदेश में मेरा प्रारंभिक आकलन था, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मेरा जो प्रारंभिक आकलन, मैं अभी नया नया हूँ, बहुत से प्रत्याशियों को जानता नहीं, लेकिन अभी मैंने 165-175 लोगों में से 135 सीटों को लगाया था कि वो आराम से जीतेगी, लेकिन 135 से ऊपर ही जाएगी, क्योंकि अभी मैंने 165-170 लोगों का आकलन किया, बाकी लोगों का आकलन नहीं किया। उस आकलन के बाद मैं दावे से कह सकता कि लगभग 150 से। एक अंतिम सवाल है भैया, भाजपा का ऐसा आरोप है कि कांग्रेस ने टिकट वितरण में जो है अपने चहेतों को उपकृत किया है और सर्वे को ताक में रख दिया गया, कितना इत्तफाक रखते हैं? नहीं, भाजपा के आधार पर नहीं कह रही कि अपने चहेते नहीं है, भाजपा में क्या चहेते नहीं है? भाजपा ने जो टिकट वितरण अभी तक किया है, पहली बात तो नेशनल खेलने वालों को क्लब में उतार दिया, आपने देखा होगा इतनी ज्यादा घबराहट बीजेपी के अंदर है। दूसरा, सीएम का चेहरा नहीं बताया आज तक कह रहे कि हमारा कोई चेहरा नहीं, पूरी भाजपा चेहरा है। कल तक जो कहते थे एक बिना दुल्हन की कांग्रेस बारात ले जा रही, आज खुद उस चीज को स्वीकार कर कहीं ना कहीं। तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि भाजपा में बहुत घबराहट का माहौल है। कांग्रेस ने अपनी सूची पूरी तरीके से जारी कर दी, लेकिन भाजपा की आज तक सूची नहीं आई है। ऐसे दृष्टिकोण में मैं कह सकता हूँ भाजपा का संगठन जो टूटा मोटा संगठन है, जो कहीं ना कहीं खंडित संगठन है, वो संगठन पराजय का कारण बनेगा। मां नर्मदा मैया से आशीर्वाद लेकर ये कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार आज से शुरू हो रहा है? जी, मैं माँ पहले बजरंगबली का, जहाँ से हम प्रारंभिक स्थान करते हैं, माँ भगवान अखिलेश्वर शंकर बाबा का, और फिर वहां से मैं माँ नर्मदा का आशीर्वाद लेकर सिद्धेश्वर से बजेश्वर तक आशीर्वाद लेने जाऊंगा। तो देखा और सुना आपने, ये थे मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री दीपक जोशी, जो खातेगांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद क्षेत्र में हो रहे विरोध को लेकर उनका यह कहना है कि लोकतंत्र में हर कार्यकर्ता को, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। वह क्षेत्र में जाकर रूठे कार्यकर्ताओं को मना लेंगे, अभी वह सबसे पहले अखिलेश्वर मठ जाकर ध्वज चढ़ाएंगे, इसके बाद जीवनदायिनी मां नर्मदा का आशीर्वाद लेकर वह क्षेत्र में सुशासन संकल्प यात्रा निकालने जा रहे हैं। उनका यह कहना था कि भाजपा के कुशासन के खिलाफ उनकी यह सुशासन संकल्प यात्रा होगी, जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त। साथ ही ये कहना है कि खातेगांव के अलावा मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस बहुमत लेकर आएगी।